नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज के एक और खास खबर में। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लैंडस्केप वाली नदियां कोसी नदी, रामगंगा नदी, मालधन का तुमड़िया डैम में प्रवासी पक्षियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि हिमालय और लद्दाख की पहाड़ियों से निकलकर ये पक्षी रामनगर और कॉर्बेट की नदियों में आकर शोभा बढ़ा रहे हैं। आप सभी में से जो कोई भी पक्षी प्रेमी है वो यहाँ आकर इन पक्षियों को देख सकते हैं। वहीं इसके साथ ही इन प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग के अधिकारी भी चिंतित हैं और अलर्ट मोड पर भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी सर्दियां शुरू होते ही कॉर्बेट लैंडस्केप के जलाशयों में साइबेरियन और तिब्बत से प्रवासी पक्षियों ने पहुंचना शुरू कर दिया है, जिसके बाद जलाशयों में अटखेलियां करते परिंदों के दीदार को लेकर पक्षी प्रेमी और सैलानी अब पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कॉर्बेट लैंडस्केप में 550 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, मगर सर्दियों में सुरखाब, वॉल क्रीपर, ब्लैक स्टॉक, पिनटेल, कॉर्बोरेंट समेत तमाम किस्म के परिंदों के पहुंचने से कोसी, रामगंगा नदी, मालधन का तुमड़िया डैम, भोगपुर बोर और हरिपुरा जलाशय गुलजार हो गए हैं। आपको बता दें कि प्रवासी पक्षी कॉर्बेट पार्क घूमने आने वाले बर्ड वॉचर की पहली पसंद होते हैं। साथ ही ये प्रवासी पक्षी यहाँ आने के साथ साथ पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के लिए रोजी रोटी भी लेकर आते हैं। तो वहीं मार्च के अंतिम सप्ताह से परिंदे अपने घरों को वापस लौटना शुरू कर जाते हैं। तो वहीं पक्षी प्रेमी संजय छिमवाल कहते हैं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क और इसके लैंडस्केप एरिया में वातावरण और इकोलॉजी इतनी अच्छी है कि सालों से प्रवासी पक्षी यहाँ आ रहे हैं। वहीं जलाशयों में इनकी आमद के साथ साथ इनकी सुरक्षा भी बड़ी जिम्मेदारी अब वन महकमे पर है, जिसको लेकर वन महकमा चिंतित है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात कर रहा है। हमारे रूडिशियल डक जो है वो मैंडेटरी विंटर मैंडेटरी बर्ड है, वो अभी अक्टूबर में जो आते थे अक्टूबर में आते हैं और अप्रैल तक चले जाते हैं वापस अपने सेंट्रल एशिया में। तो इस बार अभी जो दो तीन दिन से हमको कोसी बराज में दिख रहे हैं रूडिशियल डक दिख रहे हैं, तो वही है उनका। इस बार थोड़ा लेट हुआ है, यूजुअली अक्टूबर स्टार्ट में आ जाते थे, इस बार अक्टूबर एंड के आसपास आ रहे हैं। इसका पूरा ये तैयारी चल रही है कि अगर कुछ जैसे ही वो और भी माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगे उनका सुरक्षा के लिए भी पूरा कोशिश किया जाएगा। देखिए, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये खासतौर से शीत ऋतु में यहाँ पर आती हैं और अक्टूबर नवंबर से लेके जनवरी फरवरी के समय तक यहाँ रहती हैं, क्योंकि उच्च हिमालयी या फिर सुदूर देश जो यूरोपीय कंट्रीज हैं वहाँ से आती हैं। उस समय वहाँ बर्फ़ पड़ जाती है, जो सारी लेक्स वगैरह जब जम जाती हैं तो भोजन की तलाश में ये एशिया की तरफ रुख करती है। और हमारे आसपास कोसी बैराज है, तुमड़िया जलाशय है, हरिपुरा बोर है, रामगंगा नदी में इनका आश्रय रहता है और ये काफ़ी इंतजार रहता है यहाँ पर। जो लोग होते हैं चाहे वो पक्षी प्रेमी हों या फिर यहाँ पर आने वाले पर्यटक, सभी इनके आगमन से खुश होते हैं। सर्दी का मौसम शुरू होते ही साइबेरियन पक्षियों ने अपना डेरा जमाना रामनगर के कोसी बैराज में शुरू कर दिया। कोसी बैराज के अलावा मालधन चौक क्षेत्र स्थित तुमड़िया डैम में भी अब ये साइबेरियन पक्षियों का आवागमन शुरू हो गया। आपको बता दें कि साइबेरियन पक्षी तिब्बत और लद्दाख से हर वर्ष जाड़ों में यहाँ आते हैं और इनका आना शुरू हो गया, जिसमें सुरखाव जो इनको कहा जाता है, तो भारी संख्या में अब सुरखाव के जोड़े रामनगर कोसी बैराज में पहुँच चुके हैं, जिसको लेकर पशु पक्षी प्रेमियों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। तो वहीं इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रामनगर वन प्रभाग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कोसी बैराज पर कैमरे भी लगाए गए हैं, इनका शिकार करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। तो वहीं आपको बता दें कि हर वर्ष ये अक्टूबर माह के लास्ट मंथ में यहाँ आना शुरू कर देते हैं और मार्च और अप्रैल में अपने गंतव्य को यहाँ से रवाना होना शुरू कर देते हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन। तो ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।